तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन अपने जलसा घर से बाहर की तरफ आ रहे हैं और काफ़ी लोग यहां पर जमा हो चुके हैं उनको देखने के लिए। ये देखिए फैंस का यहां पर काफ़ी जमावड़ा है और हर संडे की तरह इस संडे को भी अमिताभ बच्चन जी अपने मुताबिक जो टाइम उनका 5:30 और 6 के बीच का टाइम जो है बाहर निकल चुके हैं जो कि फैंस से मिलने के लिए। और ये देखिए काफ़ी यहाँ पे हुजूर उनके जितने भी फैंस चाहने वाले सभी मौजूद है और सभी शोर शराबा चिल्ला रहे अमिताभ बच्चन जी बिग बी बहुत ही लोग यहाँ पर जमा हुआ है। और देखिए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं अमिताभ बच्चन जी। तो डेली मतलब एवरी संडे को अमिताभ बच्चन जी आते हैं अपने घर से जलसा से बाहर निकलते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर उनको देखने के लिए आते हैं, मतलब हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी को देखने के लिए। और आज मैं भी पहुँचा अमिताभ बच्चन जी को देखने के लिए और ब्लॉग शूट करने के लिए आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, जहाँ से देख सकते हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन जी शॉल ओढ़े हुए हैं अपने कंधे पर और हाथ जोड़ जोड़ के सबका बार बार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये अमिताभ बच्चन जी का एक बहुत ही खासियत है, लोगों को पसंद आती है क्योंकि वो बार बार इतने बड़े आदमी होने के बाद भी जब भी बाहर निकलते वो हाथ जोड़ते रहते हैं। हर एक मिनट, हर 20-30 सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं कि वो हाथ जोड़ते रहते हैं, लोगों का अभिवादन को स्वीकार करते रहते हैं। तो ये लोगों को, उनके चाहने वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है अमिताभ बच्चन जी की, जिसकी वजह से लोग उनको देखने के लिए, उनके एक झलक पाने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर उनके जलसे घर के पास पहुँचते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि वो टेबल पर आते हैं हर संडे को। और ये देखिए फिलहाल अभी उनका गेट भी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज है 28 मई और संडे आज है 2023 का 28 मई है। और जैसे कि आपको ये दिख रहा है जलसा, मतलब जलसा नाम आते ही अमिताभ बच्चन का नाम आता है। बहुत ही आलिशान बंगलो है जो कि जुहू में, और ये जो मेरे बैक साइड में ये जलसा दिख रहा है, इसी जलसे से अमिताभ बच्चन हर संडे को लगभग 5:30 और 6 के बीच में आते हैं। तो चलिए आज संडे है तो जलसा में किस वक्त अमिताभ बच्चन बाहर निकलते अपने फैंस से मिलने के लिए, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए और पूरा डिटेल्स में इस घर को भी दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि जलसा आप अगर आना चाहते हैं तो किस तरीके से यहां पर आ सकते हैं जलसा के पास। अगर लोकेशन की बात करें तो यहां साइड में आपको एक चौक देखने को मिलेगा और जो सांता क्रूज बस स्टॉप से अगर आते हैं तो लास्ट बस स्टॉप जो कि जलसा के पास ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जुहू चौपाटी के आगे एक स्टॉप है। चलिए वीडियो में कंटिन्यू रही, उससे पहले चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो फेसबुक पेज पर देखकर फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच रहे धीरे धीरे करके। और जैसे कि यहाँ पर नींबू पानी का जो इंतज़ाम किया गया, जो काफ़ी गर्मी का सीज़न अभी चल रहा है, तो अमिताभ बच्चन जी के जलसे के बाहर गेट पर यहाँ पर देख सकते आप कि नींबू पानी का 2-3 डब्बा रखा गया है, और जैसे गर्मी की वजह से लोगों को राहत मिले। और देखिए जितने भी लोग उनको देखने के लिए आते हैं तो वो देखिए डब्बा भी यहाँ पर रखा गया और लोग काफ़ी उत्साह में होकर के उत्साहित है क्योंकि नींबू पानी पीने के लिए अमिताभ बच्चन जी घर का बना हुआ पानी पी रहे, शरबत पी रहे। तो यहाँ पर भी बहुत से लोग अभी फिलहाल आ चुके हैं, अभी टाइम थोड़ा बचा हुआ है। और ये जलसा जो कि जलसा बहुत ही महंगा बंगला बताया जाता है, लगभग 250 से 300 करोड़ के बंगला बताई जाती है, जो कि जलसा एक अपने आप में नाम बहुत ही बड़ा नाम है। जलसा कहने का मतलब सीधे अमिताभ बच्चन जी का बंगलो। और यहाँ काफ़ी लोग अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनके, जैसे ये देखिए दुनिया का 8वां अजूबा जो अमिताभ बच्चन जी का पोस्टर बनाकर उनके फैन जो भी चाहने वाले हैं वो ले करके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जलसा के सामने। और धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी, इतनी भीड़ हो जाती है ना कि पूरा ट्रैफिक वगैरह सब मतलब 2 से 3 मिनट के लिए बंद हो जाती है जब अमिताभ बच्चन जी गेट से बाहर निकलते हैं तो। और यहाँ पर भी कुछ लेडीज़ वगैरह जो पानी वगैरह पी रही है अमिताभ बच्चन के घर के सामने, मतलब इतना भीड़ है कि मतलब कंट्रोल करना बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है यहाँ पर ट्रैफिक वालों के लिए। यहाँ लेडीज़ हो, जेंट्स हो, छोटे हो, बड़े हो, सब यहाँ पर पहुँचते हैं अमिताभ बच्चन जी को देखने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग, अफरा तफरी का पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पर और बहुत ही मतलब क्राउड हो गया था। गर्मी बताइए आपको कितना गर्मी अभी है, मुझे तो हालत ख़राब हो गई थी मेरी, लेकिन फिर भी आपको दिखाना मेरा काम है इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अमिताभ बच्चन की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है और अभी भी कितने लोग उनको चाहने वाले हैं जो उनको देखने के लिए उनके घर के पास एवरी संडे को पहुंचते हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग। और सबकी नज़र सिर्फ जलसा के गेट पर होती है कि कब किस टाइम अमिताभ बच्चन जी अपने घर से बाहर की तरफ आएंगे। सबकी नज़र उसी गेट पर टिकी होती है, कोई भी आया, अंदर गया, बाहर आया, गेट ज़रा सा भी खुली सबकी नज़र उसी पर पड़ती है। तो अमिताभ बच्चन जी का जो टाइम है जो फिक्स है उसी टाइम पे वो एवरी संडे को आते हैं। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो टाइम पे ही आएँ, 5:30 के करीब ही आएँ, ज़्यादा पहले अपनाएं वरना आपको दिक्कत होगी, फिर आपको यहाँ पर बोलेंगे कि
लोगों को बुला लेते हैं और आते नहीं है, तो उनका टाइम जो है 5:30 और 6 के बीच का, तो उसी टाइम पे आप आने की कोशिश करें। तो यहाँ पर फिलहाल अभी गेट खुल रही है, उसके घर के अंदर से कुछ गाड़ी वगैरह बाहर की तरफ निकल रही है, और ये जो यहाँ पर क्राउड भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है अमिताभ बच्चन जी का आज का जो कि संडे 28 मई 2023 का आज का अपडेट, जो कि आज लाइव आपको मैंने अमिताभ बच्चन जी को दिखाने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पर देख रहे थे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लाइव देख सके। और किसी और सेलिब्रिटी को देखना चाहते हैं तो उसका भी आप नाम कमेंट सेक्शन में डाल सकते, ताकि मैं उसका भी वीडियो बनाकर आप तक डाल सकूँ।